तंदेरी बैटल, यहाँ तो 15 टर्न में यहाँ बाबर किसको डिफीट करता है राजपूतों को। देखिए एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बैटल आपके सामने आ रही है और हर किसी में किसकी विजय हो रही है, बाबर की। धीरे धीरे उसने अपने एरिया को चारों तरफ फैलाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट हम करेंगे, अब इसका बेटा था कौन था, हुमायूं, जिसका टाइम पीरियड क्या है 1532-1540 और दो बार फिर से एक बार फिर से दोबारा से ये आता है कवर 1555-1556। अब देखिए क्या हुआ, जब 1530 में ये इसको साज दिया गया सारा किसके द्वारा, बाबर के द्वारा। क्या किया गया 1539 में, क्या इसने क्या किया है, तोसा एक जगह का नाम है और वहां एक फेमस बैटल हुई थी उसमें इसने इन्वॉल्व किया था, उसमें भाग लिया था। लेकिन क्या हुआ, किसके साथ ये बैटल, शेरशाह के साथ। दो एक और बैटल होती है वो होती है 1540 में, शेरशाह ने इसको इस तरह से पराजित किया कि इसको दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा और वापिस कई साल बाद दोबारा 1555 में भी कैप्चर करता है दिल्ली को। किसकी मदद से, दो ईरान का शाह था उसकी मदद से। देखिए हम फिर से देखते हैं बाबर का बेटा कौन था, हुमायूं। हुमायूं का टाइम पीरियड 1532-1540 और फिर नेक्स्ट टाइम कब आता है 1555-1556। अब क्या थी एक बैटल थी 1539 में, फेमस बैटल, बैटल ऑफ चौसा, किसके साथ, शेरशाह के साथ। एक और बैटल नेक्स्ट ईयर कन्नौज में, अब क्या है शेरशाह ने इसको इस तरह से डिफीट किया कि अपने वहां भागने को मजबूर हो गया और दोबारा कई साल बाद लगभग 3 साल बाद ईरान के जो शाह थे उसकी मदद से दिल्ली पर भी कैप्चर कर लेता है। नेक्स्ट है हमारा अकबर है फेमस नेम। अगर मैं अरेबिक लैंग्वेज की बात करूं तो अकबर वर्ड मीन्स ग्रेट, जो अकबर है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है ग्रेट। तो अकबर के बहुत सारे चैप्टर आपने पहले भी देखा हो, कोई सीरियल देखा हो, कहीं और पढ़ा हो, तो आपको टाइटल देखने को मिल सकता है अकबर द ग्रेट। रियली ही वाज ग्रेट, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज बनाई थी उसने, कुछ अच्छे अच्छे चेंजेस किए थे, जो लास्ट मुगलों को लास्ट थे उनकी पॉलिसीज को चेंज किया था और सच में भी वो एक ग्रेट किंग था। देखिए इसमें क्या है, ये बहुत छोटा था, 12 इयर्स ओल्ड था जब ये गलती कर रहा था। तो बात होती है 1556 की, क्योंकि इससे पहले कौन थे, हुमायूं। हुमायूं से पहले कौन थे, अकबर। अब देखिए अब इतना छोटा बच्चा तो एडमिनिस्ट्रेशन और जो पॉसिबल नहीं थे उससे, तो इसका एक रिजेंट, रिजेंट मीन संरक्षक, तो उसकी हेल्प करे जो संभाले उसको, वो कौन थे, बैरन खान। इसने इसको संभाला और सभी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में उसकी हेल्प की। इस तरह से अकबर की कुछ इम्पोर्टेंट विजय थी और वो थी बंगाल, बिहार, उड़ीसा और काबुल। अकबर ने चारों दिशाओं में अपना साम्राज्य बहुत आगे तक फैलाया, विस्तृत साम्राज्य इसने कायम कर दिया। तो आज हमने क्या पढ़ा, मुगल एम्पायर, सबसे पहले जो मुगल वर्ड है उस पर हमने डिस्कशन किया। तो मुगल थे वो मदर की तरफ से कौन थे, चंगेज खान के बच्चे थे, औलाद थे, वंशज थे। नेक्स्ट क्या है, फादर की तरफ से कौन थे, तैमूर के बच्चे थे। अब देखिए तैमूर के वंशज कहलाने में बहुत खुशी प्राउड फील करते थे, वजह क्या बताई थी हमने, 1398 में उन्होंने दिल्ली पर कैप्चर, दिल्ली पर अटैक कर दिया था और उस पर कंट्रोल कर लिया था। एस्टेब्लिशमेंट कैसे होती है, किसकी, मुगल एम्पायर की, कब शुरुआत होती है 15th सेंचुरी में, किसकी वजह से फाउंडर कौन था मुगल एम्पायर का, बाबर। नेक्स्ट बाबर के बाद कौन है, हुमायूं। और बाबर की जो फेमस बैटल्स थी वो कौन सी थी, बैटल ऑफ पानीपत। नेक्स्ट क्या है, हुमायूं की क्या थी, बैटल ऑफ चौसा। उसके बाद अकबर द ग्रेट इसी सीरीज में हमने पढ़ी और इसमें जो इसका संरक्षक कौन था, बैरन खान। ये थे फेमस मुगल रूलर्स और उनका टाइम पीरियड और उनकी जो फेमस बैटल्स थी, जो आज भी हम उनके बारे में बड़े इंटरेस्टिंग वे से पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट मुगल रूलर शाहजहां वगैरह, जो इनके नेक्स्ट वंशज थे। थैंक यू सो मच।